सौर मंडल के बाहर प्रथम मानव निर्मित यान वॉयजर 1 दुनिया में इंसान की बनाई इकलौती वस्तु है जो पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर है, 30 अरब किलोमीटर दूर। यह दूरी इतनी है कि पृथ्वी और वॉयजर से एक मैसेज आने और उसे वापस वॉयजर को भेजने में 48 घंटे का समय लग जाता है। आइए जानते हैं वॉयजर 1 की पूरी रोमांचक कहानी इस वीडियो द्वारा। वॉयजर 1 नासा द्वारा 5 सितंबर 1977 को सूर्य के हेलियोस्फीयर से परे बाहरी सौर मंडल और अंतरतारकीय अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए वॉयजर कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष यान है। वॉयजर 1 का वजन 733 किलोग्राम है। मानव रहित यान है जिसे हमारे सौर मंडल और उसके बाहर की खोज के लिए प्रक्षेपित किया गया था। यह अब भी काम रहा है। यह नासा का सबसे लंबा अभियान है। इसे इसके जुड़वां वॉयजर 2 के 16 दिन बाद लॉन्च किया गया था। यह नियमित कमांड प्राप्त करने और पृथ्वी पर डेटा संचारित करने के लिए नासा डीप स्पेस नेटवर्क के माध्यम से संचार करता है। वास्तविक समय दूरी और वेग डेटा नासा और JPL द्वारा प्रदान किया जाता है। नवंबर 2023 तक पृथ्वी से 162 AU यानी कि 24 अरब किमी और 15 अरब मील की दूरी पर यह पृथ्वी से सबसे दूर मानव निर्मित वस्तु है। आइए जानते हैं इसका इतिहास, आखिर नासा को वॉयजर की जरूरत क्यों पड़ी और इसका नाम कैसे रखा गया। 1960 के दशक के दौरान बाहरी ग्रहों का अध्ययन करने के लिए एक ग्रैंड टूर प्रस्तावित किया गया था जिसने नासा को 1970 के दशक की शुरुआत में एक मिशन पर काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। पायनियर 10 अंतरिक्ष यान द्वारा एकत्र की गई जानकारी से वॉयजर के इंजीनियरों को बृहस्पति के चारों ओर तीव्र विकिरण वातावरण से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वॉयजर को डिजाइन करने में मदद मिली। हालांकि लॉन्च से कुछ समय पहले विकिरण परिरक्षण को और बढ़ाने के लिए कुछ केबलों पर किचन ग्रेड एल्यूमिनियम फॉयल की स्ट्रिप्स लगाई गई थी। प्रारंभ में वॉयजर 1 को मैरिनर कार्यक्रम के मैरिनर 11 इंचेस के रूप में योजनाबद्ध किया गया था। बजट में कटौती के कारण मिशन को बृहस्पति और शनि की उड़ान के रूप में छोटा कर दिया गया और मैरिनर बृहस्पति शनि जांच का नाम बदल दिया गया। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, बाद में नाम बदलकर वॉयजर कर दिया गया क्योंकि जांच डिजाइन पिछले मैरिनर मिशनों से काफी भिन्न होने लगे। वॉयजर 1 यान मानव निर्मित पहली वस्तु है जो सौर मंडल की सीमाओं को तोड़कर ब्रह्मांड की गहराइयों में प्रवेश कर चुकी है। वॉयजर 1 का निर्माण जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला द्वारा किया गया था। इसमें 16 हाइड्रोजन थ्रस्टर्स, 3 अक्ष स्थिरीकरण जायरोस्कोप और जांच के रेडियो एंटीना को पृथ्वी की ओर रखने के लिए संदर्भ उपकरण हैं। सामूहिक रूप से ये उपकरण अधिकांश उपकरणों की अनावश्यक इकाइयों और 8 बैकअप थ्रस्टर्स के साथ साथ एटीट्यूड और आर्टिकुलेशन कंट्रोल सबसिस्टम का हिस्सा है। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करते समय ग्रहों जैसे खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए 11 वैज्ञानिक उपकरण भी शामिल थे। आइए जानते हैं वॉयजर में क्या खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जो इसे सबसे खास बनाता है। संचार तंत्र वॉयजर 1 की रेडियो संचार प्रणाली को सौर मंडल की सीमा तक और उससे आगे उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। संचार प्रणाली में पृथ्वी पर 3 डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशनों के माध्यम से रेडियो तरंगे भेजने और प्राप्त करने के लिए 3.7 मीटर 12 फीट व्यास वाला उच्च लाभ वाला कैसेग्रेन एंटीना शामिल है। यान आमतौर पर 2.3 GHz या 8.4 GHz की आवृत्ति का उपयोग करके डीप स्पेस नेटवर्क चैनल 18 पर पृथ्वी पर डेटा प्रसारित करता है, जबकि पृथ्वी से वॉयजर तक सिग्नल 2.1 GHz पर प्रसारित होते हैं। जब वॉयजर 1 पृथ्वी से सीधे संचार करने में असमर्थ होता है तो इसका डिजिटल टेप रिकॉर्डर DTR बाद में प्रसारण के लिए लगभग 67 MB डेटा रिकॉर्ड कर सकता है। 2023 तक वॉयजर 1 से सिग्नलों को पृथ्वी तक पहुंचने में 22 घंटे से अधिक का समय लगता है। कंप्यूटर अन्य ON बोर्ड उपकरणों के विपरीत दृश्य प्रकाश के लिए कैमरों का संचालन स्वायत्त नहीं है, बल्कि इसे ON बोर्ड डिजिटल कंप्यूटरों में से एक फ्लाइट डेटा सबसिस्टम FDS में निहित इमेजिंग पैरामीटर तालिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 1990 के दशक से
अधिकांश अंतरिक्ष जांच पूरी तरह से स्वायत्त कैमरों से सुसज्जित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस यान के उपकरण बता रहे हैं कि यह यान सौर वायु से निर्मित बुलबुले हीलियोस्फीयर से बाहर निकलकर सितारों के मध्य के अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। 1977 में प्रक्षेपित वॉयजर 1 अंतरिक्ष यान को सौर मंडल के बाह्य ग्रहों के अध्ययन के लिए भेजा गया था। यह यान अपने प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करने के बाद भी यात्रा करते रहा और हमें नित्य नई जानकारी देता रहा। वर्तमान में नासा का यह यान पृथ्वी से 19 अरब किमी दूरी पर गतिशील। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि इस यान उत्सर्जित से प्रकाश गति से यात्रा करते रेडियो संकेत पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 17 घंटे का समय लेते हैं। 40 वर्ष से ज्यादा चलने वाले इस अभियान द्वारा प्राप्त यह पड़ाव 1 मील का पत्थर है। इस यान के उपकरण पिछले कुछ समय से संकेत दे रहे थे कि यान एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। इस अभियान के वैज्ञानिक कुछ शंकित थे, लेकिन इस यान में लगे प्लाज्मा वेव साइंस PWS उपकरण द्वारा भेजे गए आंकड़ों के अनुसार यह पाया गया कि इस यान के बाहर आवेशित कण प्रोटॉन के घनत्व में बढ़ोतरी हुई है। और वैज्ञानिक ने 12 सितंबर 2013 को घोषणा कर दी कि वॉयजर 1 अब सौर मंडल के प्रभाव के बाहर सितारों की दुनिया में है। इस वर्ष 2013 के अप्रैल मई में तथा वर्ष 2012 के अक्टूबर नवंबर में इस यान के आसपास प्रोटॉन के घनत्व में 100 गुना बढ़ोतरी देखी गई थी। वैज्ञानिकों वॉयजर के सौर मंडल से बाहर पहुंचने पर जहां पर सूर्य का चुंबकीय प्रभाव खत्म हो जाता है और सौर वायु पहुंच नहीं पाती है, उस सीमा पर प्रोटॉन के घनत्व में ऐसी बढ़ोतरी का अनुमान पहले से लगा रखा था। सौर वायु सूर्य की सतह से बाहर की दिशा की ओर बहने वाला आवेशित कणों का एक प्रवाह है। वॉयजर अभियान के वैज्ञानिकों वॉयजर 1 यान के अन्य उपकरणों से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से पाया कि वॉयजर 1 यान 25 अगस्त 2013 को सौर मंडल से बाहर जा चुका है। यह निष्कर्ष साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। 25 अगस्त 2013 को वॉयजर 1 यान 121 AU दूरी पर था, जो कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी का 121 गुना है। सौर मंडल की इस सीमा, जिसे हीलियोपाज कहते हैं, 1970 की पुरानी तकनीक से बने इस यान द्वारा पार कर पाना एक बड़ी उपलब्धि है। वॉयजर 1 यान अब सौर मंडल से बाहर सितारों के मध्य है, लेकिन इस पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अभी भी है, जैसे कि सौर मंडल से बाहर के कुछ धूमकेतुओं पर भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है। लेकिन सभी तकनीकी और वैज्ञानिक परिभाषाओं के अनुसार यह यान सौर मंडल से बाहर जा चुका है। वॉयजर 1 पृथ्वी से 5 सितंबर 1977 को अपने साथी यान वॉयजर 2 20 अगस्त 1977 से कुछ दिनों बाद अपनी इस अंतहीन यात्रा पर रवाना हुआ था। इस यान का प्राथमिक उद्देश्य गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून का अध्ययन था, जो उसने 1989 में ही पूरा कर लिया था। उसके पश्चात उसने गहन अंतरिक्ष में छलांग लगाई थी। आशा है कि इस यान के प्लूटोनियम आधारित ऊर्जा संयंत्र अगले 10 वर्षों तक ऊर्जा देते रहेंगे। उसके बाद इसके सभी उपकरण और 20 वॉट के ट्रांसमीटर कार्य करना बंद कर देंगे। इन उपकरणों के कार्य करते रहने तक इस यान का अभियान जारी रहेगा और वैज्ञानिक इस नए अनजाने क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। वॉयजर 1 अभी जिस क्षेत्र में है, वह क्षेत्र अब से लाखों वर्ष पहले किसी तारे में हुए विस्फोट से निर्मित है। इस क्षेत्र के बारे में हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, लेकिन वॉयजर 1 उन आंकड़ों को अपने मापन से एक वास्तविक रूप देगा। वॉयजर 1 अपनी 45 किमी सेकंड की गति के बावजूद भी अगले 40,000 वर्षों तक किसी तारे के पास नहीं पहुंचेगा। वॉयजर 1 इस समय ऑफ्यूकस तारामंडल में है। ऑफिचस आकाशीय भूमध्य रेखा पर फैला एक बड़ा तारामंडल है। इसका नाम प्राचीन ग्रीक ऑफ्योकोस से आया है, जिसका अर्थ है सर्प धारण करने वाला, और इसे आमतौर पर सांप को पकड़ने वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। यह पृथ्वी से लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।